झगड़ा शगड़ा। कौन सी फिल्म है? फिल्म नहीं है, दुबई है, दुबई। क्या शानदार मुल्क है ईमान से। सड़कें कितनी साफ हैं, कचरा भी नहीं, गटर का पानी भी नहीं, और इमारतें तो देख कितनी लंबी लंबी हैं। यहाँ जाना चाहिए घूमने फिरने के लिए, कितना मजा आएगा। मारिया बीबी साहिबा, आप सिर्फ ख्वाब में घूम लीजिएगा। 10 लाख रुपए चाहिए दुबई जाने के लिए। 10 लाख? 10 लाख बस? 10 लाख बस? आप तो टाइम पे मेरी तनख्वाह नहीं देते। बकवास बनकर, तनख्वाह से ज्यादा तो तू खा जाता है। दूं हिसाब तुझे। अच्छा चल, क्या याद करेगा, ले जाऊंगी तुझे भी दुबई। हाँ, चाय बना ले। चाय को छोड़, दुबई जाने की तैयारी कर, मैं आमिर को बताती हूँ। चल मैं चली। दुबई दुबई दुबई। आमिर चल चलें दुबई चलते हैं। आमिर आंखें खोल, नहीं तो पानी का ग्लास तेरे सर पे आ जाएगा। नहीं एक मिनट, क्या है मारिया? आमिर चल चलें दुबई चलते हैं। तुझे पता है वहाँ पे 24 घंटे पानी आता है और लाइट भी नहीं जाती। बेगम आप एक काम करें ना, सड़क पे जाएं, रिक्शा लें और दुबई चली जाएं। तुझे क्या लग, मारिया अकेली दुबई नहीं जा सकती? मारिया ना अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है, समझा? जी समझा। मेरी तरफ से ना आपको इजाजत है, एक काम करें ना, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाएं। मैं तुझसे इजाजत लेने नहीं आई हूँ। 10 लाख निकाल और ये अपनी वर्जिश कर। ठीक है बेगम, एक काम करते हैं ना, सुबह मैं बैंक लूटता हूँ और शाम को मैं आपको दुबई रवाना कर देता हूँ, ये ठीक है? दुबई तो मैं जाकर ही दम लूंगी, समझा? दुबई जाने का ख्वाब ही रह गया। मारिया बीवी, कोई आदमी जबरदस्ती घर में घुस आया है। अबे शहर में इतना जिगर वाला कौन हो गया जो बाबू उस्ताद की इकलौती बेटी के घर घुस आया? मारिया बीवी आप मुझे इजाजत दे, मैं इसके हाथ पांव तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। अबे हाथ पांव तोड़ने के लिए ना इजाजत की नहीं जिगर की जरूरत होती है, समझा? आप शायद मुझे हल्का समझ रही हैं, मैं 120 किलो का आदमी था, ये तो गुर्बत की वजह से हल्का हो गया हूँ। आप इजाजत दे मुझे। अबे जिस्म नहीं जिगर बड़ा होना चाहिए हाथ पांव तोड़ने के लिए। जा जाके मेरी हॉकी लेके आ, मैं तुझे बताती हूँ हाथ पांव तोड़ने के लिए जिगर कैसा होना चाहिए। जा लेके आ। तो ठीक है। किसकी इतनी जुर्रत जो मेरे घर में घुस गया? हाँ ये ये अबे ये तो बिल्कुल बकरी जैसा है, इसके लिए तो मारिया की जबानी काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तू लोगों के घर में सिर्फ सलाम करने के लिए घुस जाता है, जबरदस्ती वो भी। चल निकल ले अब। आप पहले मेरी बात तो सुन ले प्लीज। बेटा इज्जत से चला जा, वरना ना तेरे दांत यहीं और तू घर से बाहर होगा। निकलता है कि तेरे दांत तोड़ दूं मैं। मैं 120 किलो का आदमी था, अब जिगर बड़ा हो गया है, जिगर। ओके ठीक है, चलता हूँ मैं तो आप लोगों का लाखों का फायदा करवाने आया था। लाखों का फायदा? एक मिनट, रुक, आइए, आ जाइए, बैठे। जा तू जूस ले क्या? जूस? हाँ जूस तो भाई। समझ गया। अरे वाह, जोश भी आपके यहाँ दुबई से आता है। आप जोश वोश को छोड़िए, आप ये बताएं आप वो कोई लाखों के फायदे की बात कर रहे हैं। जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ और आपके लिए कुछ प्रपोजल लाया था इंश्योरेंस। बता। देखिए अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप इनको इंश्योरेंस करा लेंगे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। जी, और अगर इनकेस उनका एक्सीडेंट हो जाता है या आप ही गलती से टांग तोड़ देती है तो आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे।
हाँ यार, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। जो घर के खाने में मजा है ना, वो बाहर के खाने में है ही नहीं। ठीक है ठीक है, ओके, होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेगम। घर के खाने में जो मजा है वो बाहर के खाने में नहीं है, ना? मुझे क्या पता? नहीं, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कल से ना मैं ऑफिस टिफिन में घर का खाना लेके जाऊंगा, क्योंकि होटल का खाना ना बड़ा फजूल होता है। हाँ, अब तू होटल के खाने की ना आदत डाल ले, क्योंकि मैं जा रही हूँ दुबई बहुत जल्द। बस यहाँ मुझे 10 लाख का चेक मिला और मारिया गई दुबई। 10 लाख का चेक कहाँ से आएगा? इंश्योरेंस कंपनी से। तेरा पूरे 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया मैंने। नहीं 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 नहीं, आपको पता है बेगम, 10 लाख आपको मेरी मौत के बाद मिलेंगे। जानती हूँ मरने में देरी कितनी लगती है। मैंने तेरे खाने में ना जहर डाल दिया था। क्या हुआ? दुबई जाने के लिए आपने मुझे मार दिया, जहर मिला दिया खाने। जो इंसान जहर के नाम पे ही मर जाए उसे जहर देने की क्या जरूरत है? अभी डाला नहीं है, डालूंगी। हल्का हो जा, जहर नहीं था। जो तू चाय पिएगा ना उसमें डालूंगी। बेगम आप पागल पागल तो नहीं हो गई हैं? हाँ हो गई हूँ पागल। तूने मरने का नाटक करना है या सच में मरना है, फैसला तू खुद कर ले। मारिया जो एक दफा सोच लेती है ना वो करके ही दम लेती है। आई समझ में? आ गई ना। अब मैं जा रही हूँ बाहर, तू जल्दी से मुर्दा बन जा। आ जा। तेरा कोई हाल नहीं ना मारिया। कितनी दिहाड़ी पे लाया? मर्द 300 और 400। 200-400 और बढ़ा लेता, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मारिया लीसा में क्या करी, ये शादी नहीं है, मैयत है मैयत। अबे मैयत का भी ना अपना एक मजा होता है बोले। अरे भाई खामोश। देखो भाई तुम लोगों के रोने में ना बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तुम सबने ना दिल से रोना है, दिल से, समझे? मैयत सामने हो तो इंसान दिल से रो सकता है, वो देखे मैयत सामने बैठ के केला खा रही है। मैयत इधर बैठ के केला खा रही है, उधर जाकर मरो, उधर उधर ताकि दिल से रोए, दिल से रोए, रोना नहीं आता। hey! मैयत जा रही है, मैयत जा रही है। सही तरह नहीं थी हमें। अब रो मानिया। मेरे अल्लाह कल्ली रहेंगी मैं। मानिया तेरे कोई पुरसा नहीं आल नहीं। मेरे अल्लाह जवान मौत हो गई। कोई मैं खामोश खामोश बिल्कुल खामोश, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। क्या तुम लोगों के खानदान में आज से पहले कोई नहीं मरा? क्या चाहती हैं आप, मैं असली में मर जाऊं ताकि ये लोग सब दिल से रोए? देखो भाई, जो दिल से नहीं रोएगा उसे आधी दिहाड़ी, जो दिल से रोएगा उसे डबल दिहाड़ी, खाना पीना अलग। हाँ ये बात हुई ना। अब मैं जल्दी से ना बेबा का मेकअप करवा लेती हूँ। ए मेकअप वाली आजा जल्दी से मुझे बेबा बना दे, अच्छी सी बनाई। आजा 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 निकल। असली में नहीं मारो तू, तुझे मैं मार रहा है मेरी छाती पे, पागल हो गया? चल चल आजा जल्दी से आजा। चल भाई चल, मुझे फुल टाइट सी बेवा बना दे, हसीन और क्यामत बेवा। ठीक है बैठिए बाजी। हाँ मुझे पता, जब कोई बदशक्ल औरत बेवा होती है ना तो उस गरीब बेचारी को कोई उधार तक नहीं देता,
पर कोई मुझ जैसी हसीन बेवा होती है ना तो राशन पानी चल के खुद घर पहुंच जाता है जी। और नहीं तो क्या, देखो ये सारा मेज का सामान सारा सुबह से मुफ्त में आ रहा है। जब पहले मैं दुकान पे जाती थी ना तो दुकानदार मुझे बाजी या आपा कहते थे, लेकिन आज सुबह से किसी भी कमबख्त ने मुझे बाजी या आपा नहीं कहा। पता है क्या कहा? क्या कहा? कि आपकी अपनी दुकान है, जो सौदा चाहिए सिर्फ फोन कर दीजिएगा, घर पहुँच जाएगा। अच्छा क्या हुआ? नहीं बाजी कुछ नहीं, लिपस्टिक लगा दो। अबे बावली हो गई, मेरा मियां मरा है, सादा सी टाइट सी बेवा बना दे और ऐसा कर आंखों में सुरमा लगा दे ताकि असली आंसू आए। जी अच्छा। वाह वाह वाह, क्या इधर से उधर घूम रही है? ये पकड़ शीशा, इधर आ। का बाल बांध दूं मैं? जरा ना डॉक्टर, सादा सी रघु, वैसे भी मैं खुले रखती हूँ बागल है ना, ताकि बाल और सादा हो जाए। हाँ, ये सही, लेकिन इसमें और पटाखा लग रही हूँ। अब दुपट्टा ये ऐसे ले लूँ? एक तो ये दुपट्टा अभी ना ऐसे, ठीक है? ठीक है ठीक है, ठीक है? हाँ लग रही हूँ जी। आ जाओ। बहन काजल लगाया हुआ है? नहीं सुरमा, सुरमा आजकल कौन किसी की मौत पर रोता है बहन? मगर बहन मैं तो अपनी मौत पर रोई थी। अगर तेरे मियाँ की इंश्योरेंस हुई होती 10 लाख की तो रोती? अरे बीबी रोने पर तवज्जो दे, वो देखिए इंचो साल आपको देख रहा है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, किसके सारे जीऊंगी मैं? बहन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दे। इन्हें बाहर गाड़ी तक छोड़ के आइए सर, आइए। बहन ये पहला आदमी था जिसने मुझे बेवा होने के बाद बहन कहा है। नहीं बहन 6 लोग भी हैं इस दुनिया में। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? हाँ अल्लाह हाफिज़। तो मुबारक हो चला गया। शुक्र है। चलो पक्का ना चला गया? क्या है आमिर, आज तेरी छुट्टी है, तू आज भी आराम कर रहा है? क्या करूं क्या करूं बेगम, माँ बताए ना, नाचू डांस करूं क्या करूं? दुबई जाने की तैयारी कर, आजकल ना जहाज 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। बेगम मुझे ना सिर्फ 2 दिन मिलते हैं छुट्टी के, 1 दिन तो हमारा गुजर गया, 1 दिन मिला वो तो खुदा के लिए मुझे सुकून से गुजारने दो। तूने जितना भी सुकून करना ना दुबई जाके कर लेना, अभी तो दुबई जाने की तैयारी कर। इस घर में आराम करने से अच्छा है मैं बाहर जाके ना किसी दरख्त के नीचे आराम करूँ। हाँ ना तू जा ना बेरी के दरख्त के नीचे जा, ताकि तुझ पे चुड़ैलें चिपके। चल अब उठ। चुड़ैलें चिपके? हाँ चिपक के तो देखिए जरा, चुड़ैल चुड़ैलें चिपक सकती है तुझ पे, जा। इसने तो पैकिंग करनी नहीं, मैं इसकी पैकिंग कर देती हूँ, कुछ सामान रह जाएगा तो दुबई से खरीद लेंगे। मुझे आप पे शक है। अबे आज तक मेरे शौहर ने मुझ पे शक नहीं किया, तू कौन होता है मुझ पे शक करने वाला? अरे बीबी ये वाला शक नहीं, आपका शौहर जिंदा है कि नहीं ये वाला शक। अबे लाश तो तू खुद देखे गया है, अब क्या तुझे सबूत भी चाहिए? बीबी दिमाग ठंडा रखे, इंश्योरेंस कंपनी सबूत मांगती है। अच्छा आप ये बताएं कि आपके शौहर की कब्र कहाँ है?
हमारे खानदान की औरतें ना अपने शौहर की कब्र किसी को नहीं बताती। क्यों? जो औरत अपने शौहर की कब्र बताती है ना, फिर उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती। शौहर मर गया और आपको दूसरी शादी करनी है? पड़ोसी की बीवी के मरने के चौथे दिन ना उसका शौहर दूसरी बीवी लेके आ गया था। मतलब आप भी चार दिन बाद शादी कर लेंगे? नहीं, शुक्र चार महीने बाद। चार माह बाद? अब मैं दूसरी शादी करूं या ना करूं इससे तुझे क्या, ये बता तू 10 लाख कब देगा? बहुत जल्द, अब चलता हूँ। नोट लेते हुए तो कोई सवाल नहीं करते, लेकिन नोट देते हुए इनको मौत आती है। कहाँ रह गया? फिर मरे बीवी, खाना तैयार है। अभी वो हेलमेट, ये आमिर नहीं आया अभी तक। जाएंगे तो आएंगे, आज तो उनकी छुट्टी थी। वो तो मुझे पता है, वो दिन में दरख के नीचे सोने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। मुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। वाह मरिया बीवी, आपको शोर की फिक्र, आपको ये तो कमाल हो गया। देख दरवाजे पे कौन है। अच्छा जाता हूँ। हाय मेरा आमिर, मेरा मासूम सा आमिर कहाँ रह गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। तू कौन है भाई, चंदा लेने आई है क्या? लो बहन, एक दिन में मुझे भूल गई, तुम्हारे मियाँ की मैयत में आई थी जिसे तुमने दूसरी शादी का कहा था। अरे तू वो है, उस वक्त तो तू बड़ी एमी सी लग रही थी, लेकिन अब तो बड़ी बरगड़ लग रही है। क्या बात है, दूसरी शादी कर ली क्या? आधी हुई है आधी बाकी है। अबे इसका क्या मतलब है, आधी हुई है आधी बाकी है? तेरी क्या मंगनी हुई है सिर्फ? मेरी तरफ से तो हाँ है, बस वही आई बाई कर रहा है। ओए उसे मेरे पास लेके आ, 2 मिनट में उसकी आए बाई ना निकाल दी ना तो मेरा नाम बदल दी। मुझे यकीन था बहन तुम मेरी मदद जरूर करोगी। खान इसे अंदर लेकर आओ। बहन अब फैसला तुम करो। बंदा मौजूद है, फैसला क्या करना है, सीधा निकाह पढ़वाते हैं। तो कराओ इससे मेरा निकाह। खान कपड़ा उतारो। अबे ये तो मेरा मियाँ है। अल्लाह तौबा, क्या दो दो मियाँ रख के बैठी थी? मैं नौकर हूँ जी। मेरा एक ही मियाँ है। तो जो मरा वो कौन था? वो भी यही था, बस नाटक कर रहा था। अब हो गया नाटक खत्म। कंपनी से फ्रॉड करने के जुर्म में आपको डबल पेमेंट करनी पड़ेगी। अब पड़ेंगे लेने के देने, मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ। बहन हमसे नाटक कर रहा था। अब नहीं मारना, आपने ऐसी ऐसी नरम जगह ढूंढ के मारा है ना मुझको, प्लीज खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता मारिएगा नहीं मुझको। एक मिनट प्लीज, एक मिनट उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा के घर में झगड़ा झगड़ा हो गया रे भाई, झगड़ा झगड़ा। बाबू मिस्टर था मिस्टर से बन गया है गनमैन, बेबी बारूदी बन गई वंडर की वुमन, दोनों के झगड़ों में बेचारा मिट्टू बस गया। ये मामला उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा के घर में